नाउ वी विल स्टार्ट विद इंट्रायूटराइन डेथ. ठीक है, व्हाट इज इंट्रायूटराइन डेथ उसके बारे में बात करते हैं. डेफिनेशन क्या है? डेथ ऑफ ए फीटस आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी 22 वीक्स इन यूट्रो. दिस डेथ में बी ड्यूरिंग एंटेपार्टम और इंट्रापार्टम, मतलब डिलीवरी के टाइम के ड्यूरेशन में और उससे पहले. ठीक है, 22 वीक्स के बाद में फिटस को वायबल मानते हैं, बट इंडिया में पॉसिबल नहीं है. इंडिया में अराउंड 30 के आसपास जाता है, 28-30 के बाद में हम लोग उसको सर्वाइव करा सकते हैं, बट बाकी कई कंट्रीज में ये पॉसिबल है जहाँ पे मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी हैं. ठीक है, तो एंटीपार्टम डेथ होगी, पहले डेथ होगी, उससे क्या होगा? एंटीपार्टम डेथ रिजल्ट्स इन डिलीवरी ऑफ ए मेसरेटेड बेबी. व्हाट इज मेसरेटेड बेबी? तो मेसरेटेड बेबी क्या होता है? आफ्टर डेथ ऑफ फिटस इट विल अंडरगो एसेप्टिक नेक्रोसिस. ठीक है, एसेप्टिक नेक्रोसिस जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसरेशन, मतलब पूरा मेसरेट हो गया, टिश्यू मेसरेट मतलब टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया. तो फिटस को हम एज ए टिश्यू माने तो पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको हम बोलेंगे मेसरेशन. और इंट्रापार्टम डेथ मतलब रिजल्ट्स इन द डिलीवरी ऑफ फ्रेश स्टिल बर्थ. मतलब क्या हुआ कि बेबी डिलीवर हुआ, फ्रेश है, मतलब उसमें कोई साइन सिम्टम मेसरेशन जैसे नहीं है, टिश्यूज के सारे ठीक है, बट फिर भी बेबी में कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ये मान के चलेंगे कि ये डेथ है, ये अभी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेश स्टिल बर्थ. डेथ ऑफ ए फिटस बिफोर 20 वीक्स इज नोन एज मिस्ड अबॉर्शन या मिसकैरियज. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. पूरा अगर फ्रेश है तो उसको हम इंट्रापार्टम मानेंगे, और अगर मान लो बेबी है, उसकी बॉडी, उसके टिश्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सड़े गले हैं, तो उसको हम मानेंगे कि ये एंटीपार्टम डेथ हुई है. अब इसके कॉजेज के बारे में बात करें, तो फीटल कॉजेज भी हो सकते हैं और मेटरनल कॉजेज भी हो सकते हैं. फीटल कॉजेज में क्या हो सकते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. जैसा कि नेचर का एक लो है कि नेचर फिटेस्ट को सर्वाइव करने देती है. अगर मान लो कहीं क्रोमोसोम्स कम है, ज्यादा है, या फिर ऐसे हैं जो कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो इंट्रायूटराइन ही उसकी डेथ हो जाएगी. ये कॉमन रीजन है. ठीक है, स्ट्रक्चरल अगर मान लो कहीं कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो उसको भी नेचर सर्वाइव नहीं करने देगी. आरएच इनकम्पेटिबिलिटी फर्स्ट बेबी में कोई परेशानी नहीं आएगी, बट सेकेंड बेबी में ये इट मे गो अप टू डेथ. ठीक है, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी वजह से भी नेचर को अगर मान लो नेचुरली वो फिट नहीं है सर्वाइवल के लिए, तो उसकी भी डेथ हो सकती है. सेकेंड कॉजेज में प्लेसेंटल और अदर कॉजेज में, प्लेसेंटल कॉजेज में एंटीपार्टम हिमरेज, कॉर्ड प्रोलाप्स हो गई, तो क्या होगा कि बेबी को सिर्फ जो न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कॉर्ड के थ्रू हो रही है. अगर कॉर्ड ही कहीं प्रोलाप्स हो गई और वो ट्विस्ट हो गई, उसमें कहीं नोट्स लग गए, तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी और उससे भी बेबी की डेथ हो सकती है. ठीक है, मैटरनल कॉजेज में, प्रॉपर मैटरनल कॉजेज में देखें तो कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन वगैरह. उसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, हालांकि इसमें डेथ रेट कम है, बट स्टिल देर आर चांसेस कि बेबी की डेथ हो सकती है. पोस्ट मेच्योरिटी और प्रोलॉन्ग लेबर, ये कॉमन रीजन है. पोस्ट डेटेड बेबी साइज में बड़े हो जाते हैं, उनकी डिलीवरी इजी नहीं है, अगर मान लो अच्छे सेंटर पर नहीं है तो उनकी डेथ हो सकती है. प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से बेबी की डेथ हो सकती है. एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, थ्रोम्बोफिलियाज, हाइपरटेंशन इन मदर, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, ये सर्टेन सिचुएशंस है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है फॉर द फीटस एंड मदर एज वेल एज. ठीक है, सर्टेन ड्रग्स की वजह से हो सकता है, जिनमें क्यूनिन है. आयोट्रोजेनिक का मतलब जो कॉज मेडिकल, मतलब मेडिकल पर्सन या मेडिकल प्रोसीजर के दौरान होते हैं, उनको हम आयोट्रोजेनिक कॉज बोलते हैं. तो आयोट्रोजेनिक ट्रोमा और पल्पेशन रेयरली, बट स्टिल इट्स ए कॉज. अब बात करें कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि बेबी अलाइव है या फिर डेड है, तो उसके लिए बात फीटल मूवमेंट्स चेक कर सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड चेक कर सकते हैं, और ब्रेक्सटोनिक्स कॉन्ट्रेक्शंस को चेक कर सकते हैं. ठीक है, ये तीनों अलाइव बेबी में प्रेजेंट होने चाहिए. और अगर मान लो ड्यूरेशन लंबा है तो उसमें फंडल हाइट से हम चेक कर सकते हैं कि एज, गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग फंडल हाइट है या नहीं है. वेजाइना से डिस्चार्ज अगर मान लो ब्राउनिश कलर के हैं तो इट इंडिकेट्स फीटल डेथ. ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेंज हो गया और डार्क ब्राउन और
टोबे का जूस लाइक कलर हो गया हो तो दे स्टिल इंडिकेट कि बेबी मे नॉट और मे और मे नॉट बी अलाइव। अब अल्ट्रासाउंड पे हमें कैसे पता चलता है, अल्ट्रासाउंड पे कैसे चेक करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है जिसपे हम बेबी की कार्डियक एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, और कार्डियक एक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब बेबी है वो फिटस है, वो डेड है। तो अगर यूएसजी पे बात करें तो यूएसजी कंफर्मेटरी है, और एक्सरे भी हम लोग कर सकते हैं। एक्सरे में क्या देख सकते हैं हम लोग, एक्सरे में गैस दिख सकती है, गैस शेडो दिख सकती है, इसमें सर्टेन साइंस है जिनको बोलते हैं स्पेल्डिंग साइन, बॉल साइन और रॉबर्ट साइन। ठीक है, ये साइन कब देख सकते हैं तो 7 days ऑफ इंट्रायूटराइन डेथ में देख सकते हैं, ये 3 to 4 weeks में दिखेगा, और रॉबर्ट साइन है वो 12 hours ऑफ आईयूडी में दिखेगा। ये दिस इज एन अर्लीस्ट साइन, और अर्लीस्ट है तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। स्पाल्डिंग साइन है, इसमें ये बोन के ऊपर दूसरी बोन ओवरलेप हो गई है। स्पाल्डिंग साइन के बारे में बात करें तो ओवरलेपिंग ऑफ क्रेनियल बोन ड्यू टू लिक्विफेक्शन ऑफ ब्रेन मैटर एंड वीकनिंग ऑफ लिगामेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बोन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप कर जाती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी बोन्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप करना मोल्डिंग कहलाता है, और ये डेथ के दौरान ये वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाल्डिंग साइन। ठीक है, अब सेकंड साइन व्हाट इज बॉल साइन, तो बॉल साइन इज ए हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। ठीक है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ लिगामेंट्स, लिगामेंट्स को सप्लाई नहीं मिल रही, बेबी फिटस है वो डेड है, तो उस सिचुएशन में क्या है, हाइपरफ्लेक्शन हो जाएगा और इट विल लुक लाइक ए बॉल। ठीक है, अब एक रॉबर्ट साइन है, रॉबर्ट साइन में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ गैस शेडो विद इन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स। ठीक है, अब ग्रेट वेसल्स और हार्ट है उसके अंदर हवा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, तो अगर उनके हम लोग चेक करते हैं और उसके अंदर हवा है तो देट इज एन डेफिनेटिव साइन ऑफ इंट्रायूटराइन डेथ। अब ये हवा कहाँ से आई, तो ये हवा बेबी के मेसरेशन से, वहां पर गैस फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं क्लोस्ट्रिडियम ग्रुप के, तो क्लोस्ट्रिडियम ग्रुप के वेलचाई वगैरह उन वो गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि हमें एक डेफिनेटिव साइन है मिलता है इंट्रायूटराइन डेथ के दौरान। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में प्री पार्टम पोस्ट पार्टम हिमरेज हो सकता है, पेशेंट के लिए साइकोलॉजिकल ग्रेट अपसेट हो सकता है, क्योंकि किसी भी मदर के लिए उसके फिटल लॉस दैट्स ए वेरी बिग थिंग। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल अपसेट रहेगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इसमें क्या है कि जो कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब हमारा खून का थक्का जमाने वाले जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को वो फैक्टर्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अगर ये प्रॉम्प्टली डायग्नोस नहीं होता है तो ये DIC कैन लीड टू DIE, मतलब पेशेंट कैन डाई अगर ये प्रॉम्प्टली डायग्नोस नहीं हुआ और अर्लीस्ट ट्रीट नहीं हुआ। ठीक है, इफ फिटस इज रिटेन्ड इन द यूट्रस फॉर मोर देन 4 weeks इट विल रिजल्ट इन DIC। ठीक है, डेड फिटस है वो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर यूट्रस में रह जाता है तो देट विल रिजल्ट इन टू डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। ठीक है, क्योंकि ये जो जो प्लेटलेट्स हैं उनका कंजप्शन हो जाएगा और ब्लीडिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगी और इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लें। ठीक है, जैसे ही IUD डायग्नोस होता है, मतलब इंट्रायूटराइन डेथ कंफर्म हो गया, तो एज सून एज हमें वो जो डेड फिटस है उसको बाहर निकालना होता है। ठीक है, अब ये बाहर निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं, अगर मान लो बिशप स्कोर, जिसके बारे में हम डिटेल में ड्यूरिंग लेबर बात करेंगे, ये सर्विक्स के लिए होता है, तो बिशप स्कोर अगर लेस देन 6 है तो हमें लेबर का इंडक्शन किससे करना होता है, PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल से, और अगर जो क्या करेगा, जो सर्विक्स को सॉफ्ट बनाएगा, और बिशप स्कोर है वो मोर देन 6 है तो हमें ऑक्सीटोसिन से लेबर को इंड्यूस कराना होता है। एज सून एज डायग्नोसिस होता है कि इंट्रायूटराइन डेथ है, तो अर्लीस्ट फिटस को, या फिर जो फिटल पार्ट है, या फिर रिजल्ट ऑफ कॉन्सेप्शन भी बोलते हैं उसको अर्लीस्ट हमें बाहर करना होता है बॉडी से। ठीक है, IUD की सिचुएशन में कभी भी हमें आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करना होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, और कई बार क्या होता है, एम्बोलाइजेशन भी हो जाता है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। नॉर्मली अगर मान लो डेड फिटस है तो हम कोशिश करेंगे कि सीजरिन सेक्शन उसमें न करना पड़े,
सर्जिकल इंटरवेंशन न करना पड़े क्योंकि ये एडिशनल ट्रोमा है, और अगर डेड फिटस है तो उसको हम फिटस को डिस्ट्रक्ट करके भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट सर्टेन सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें दोबारा से भी सीजरिन करना पड़ सकता है, जैसे कोई प्रीवियस सीजरिन हो रखा हो, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो, या फिर ट्रांसवर्स लाई हो। अगर बात करें सिंगल बेस्ट लाइन की बात करें तो इंट्रायूटराइन डेथ अर्लीस्ट डायग्नोस होना चाहिए और प्रॉम्प्टली उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालना चाहिए। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिलीवर इट पर वेजाइनम या वेजाइनल डिलीवरी इज बेस्ट फॉर इंट्रायूटराइन डेथ।